नमस्कार, मैं मुन्ना आपका कुक विद मुन्ना चैनल में बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी ऐसी इडली की रेसिपी देखने वाले हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार ही देख रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपलोड्स मिलते रहेंगे। चलो तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल लिया है। बाउल में हमें हाफ कप इतनी उड़द दाल डाल देनी है। अभी मैंने इधर दूसरा बाउल लिया है। दूसरे बाउल में हम घर में जो नॉर्मल चावल इस्तेमाल करते हैं वह लिए हैं। हमें साधारण 2 कप इतना नॉर्मल चावल इधर चाहिए। मेजरमेंट एकदम परफेक्टली लीजिए, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। मैंने इधर हाफ कप उड़द दाल के लिए 2 कप इतने चावल लिए हैं। अगर आप 1 कप उड़द दाल इस्तेमाल करते होंगे तो 3 कप इतना चावल लग जाएगा। मैंने इधर उड़द दाल को एक पानी से अच्छे से धो लिया है। इधर आपको एक ध्यान में रखना है कि उड़द दाल को आपको एक ही पानी से धोना है, 2-3 पानी से नहीं धोना, क्योंकि हम जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं तभी हमें चाहिए वैसे फर्मेंटेशन के लिए बबल्स नहीं आते, इसलिए हमें उड़द दाल को एक ही पानी से धोना है। और हमें इधर ध्यान देना है कि हमें उड़द दाल से इतना पानी ऊपर रखना है जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएंगी। अभी मैंने इधर चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे से 5 बार पानी से वॉश कर लिया है, जिससे कि उसका सभी स्टार्च हमने निकाल लिया है। आपको चावल का सभी स्टार्च निकाल लेना है। मैंने इधर 2 कप चावल के लिए 5 कप इतना पानी से उसे भिगो के रखा है। अब हमें उड़द दाल और चावल को 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, उड़द दाल अपने साइज से दुगने साइज में हो गई है। वैसे ही चावल देखिए अपने साइज से दुगने साइज में हो गए हैं। अभी मैंने इधर मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में हमने जो दाल भिगो के रखी है वो डाल देंगे। मैं सिर्फ इधर मिक्सर जार में दाल डालने वाला हूँ, दाल का पानी नहीं। मैंने सभी दाल को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। मिक्सर जार में अभी हमें फ्रेश पानी डालना है। जितना पानी हमें पीसने के लिए लगेगा उतना ही पानी हमें डालना है और मीडियम टाइप कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बना लेना है। यह देखिए, मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, मैंने दाल को ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ऐसा पीसा है, मीडियम टाइप कंसिस्टेंसी में। अभी हम दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम चावल को भी पीस लेंगे। यह देखिए, चावल को भी मैंने मीडियम टाइप कंसिस्टेंसी में पीस लिया है। अभी मैंने इधर 1 चम्मच इतना नमक लिया है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी अपने रेडी बैटर को हमें अपने हाथ से ही 10 मिनट के लिए ऐसे फेंट लेना है। हमें कम से कम 10 मिनट तो अपना बैटर फेंटना ही है, जिससे कि हमें सॉफ्ट इडली मिलेगी। यह देखिए, 10 मिनट में टोटली अपने बैटर को फेंट लिया है। फेंटने से देखिए बहुत ही अच्छे से बबल्स अपने बैटर के ऊपर आए हैं, आप देख ही सकते होंगे। हमारे बैटर को ऐसे ही बबल्स आने चाहिए, नहीं आए तो आप और अपने बैटर को फेंट लेंगे जिससे कि ऐसे बबल्स आ जाएंगे। अभी यह रेडी इडली बैटर हमें 7 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देना है। मैं पूरे ओवरनाइट के लिए इसे रख देने वाला हूँ। यह देखिए, 8 घंटे हो चुके हैं। हमारा बैटर देखिए फुलके कैसे डबल हो गया है। ऐसे ही हमारा बैटर फुलके डबल हो जाएगा। अब हम इसी बैटर का उपयोग करके इडली, डोसा और उत्तपा भी कर सकते हैं। अब मैंने इधर एक इडली स्टैंड लिया है। इडली स्टैंड पे मैंने इधर 1 टीस्पून इतना बटर लिया है और ब्रश से अप्लाई कर दूंगा। आप इधर बटर की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से ग्रीस करके होने के बाद अभी हम रेडी इडली बैटर अपना फिलअप कर देंगे। मैं इधर इडली बैटर अपने इडली स्टैंड पे पूरा नहीं भर रहा हूँ। देखिए, थोड़ी जगह मैंने इडली फूलने के लिए रख दिए हैं। ऐसे हम सभी स्टैंड भर लेंगे। देखिए, इसी प्रकार से हम सभी स्टैंड को फिलअप कर लेंगे। मैंने इधर इडली स्टैंड में 2 ग्लास इतना पानी ऐड करके अच्छे से उबाल लिया है। अभी हम इसमें सभी स्टैंड ऐड कर देंगे। यह देखिए, मेरे सभी स्टैंड अच्छे से ऐड करके हो गए हैं। अभी अपनी इडली रेडी करने के लिए हमें इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। ढक्कन से कवर कर लीजिए। यह देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब अपनी इडली के देखिए फूल के कैसे टर्म हो गई अपनी इडली। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे।
और इडली को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यह देखिए, इडली को मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब ये इडली मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रेस करते ही हमारी इडली छूट रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। वाव, कितनी परफेक्ट अपनी इडली बनी है। यह देखिए कितनी सॉफ्ट बनी अपनी इडली। अभी मैं सभी इडली को सर्व करके दिखाता हूँ। यह देखिए, नारियल की चटनी के साथ मैंने इडली इधर सर्व किए हैं। अगर आपको नारियल की चटनी की रेसिपी नहीं पता होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताना कैसे लगे आपको यह वीडियो। और आप हमारा चैनल पहली बार ही देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।